वर्क ट्रिप में रह गए भाई, बताएं। जर्मनी का फौज भेजने का था तो उस पर काफी प्रोटेस्ट हुआ सर्ब की तरफ से, इनको नहीं भेजा जाए क्योंकि इनका कोई सेकंड वर्ल्ड वॉर में झगड़ा हुआ था और कहते थे कि सर्ब्स की तरफ से हुआ था। मैं भी कह रहा हूँ एग्जैक्टली ये कह रहा हूँ कि जर्मनी की हमदर्दियाँ क्रोएट से तो बिल्कुल खुली हैं, उनके अपना पुराने मुलाजिम और उनको ये डिफेंस इंडस्ट्री जर्मनी ने लगा के दी है सारी, और तमाम मॉडर्न वेपन्स भी जर्मनी मुहैया कर रहा है। लेकिन बॉस्निया के साथ हमदर्दी है उनको, क्योंकि सर्ब उनको पसंद नहीं है, लेकिन ये इनके हैं महबूब अंग्रेजों के, सर्ब जो हैं इनका फेवरेट चाइल्ड है अंग्रेजों का। और यूगोस्लाव के साथ क्योंकि उस जमाने में चर्चिल ने जंग के जमाने में खास मुहदा करके उनकी मदद की, उनको रशिया से बचाने के सिलसिले में काफ़ी कोशिशें की थी, इसलिए देरीना तारीखी इनके तल्लुकात कायम हैं। तभी यूरोप इस मामले में आके खामोश हो जाते हैं क्योंकि ये समझते हैं कि इन अंग्रेजों का ज़्यादा हक है इस इलाके में, पॉलिसी मेकिंग में अंग्रेज का ज़्यादा हक समझा जाता है, इसलिए बिलआखिर प्रोटेस्ट करते करते खामोश हो जाते हैं। फ्रांस ने बड़ा सख्त प्रोटेस्ट किया था, कहा कि हम हमला करेंगे, लेकिन खामोश हो गए क्योंकि अगर ये ना माने एक दूसरे के तसल्लुत के दायरे को तो फिर आपस में लड़ाइयाँ बड़ी शुरू हो जाए। सही, इसलिए अपने मफाद की खातिर इन्होंने कुछ दायरे तसल्लुत के बना रखे हैं, तहरीर में ना भी आए लेकिन वो मुसलमा हैं।